लोगों का प्लान फेल तो नहीं होगा? पूरा बंदोबस्त किया, बस जैसा कहते जा रहे हैं वैसा करते रहे प्लीज। लगता है उसका फोन है, उठाइए स्पीकर पे। हेलो, मैं आ गया हूँ। तकलीफ तो नहीं हुई जगह ढूंढने में? नहीं। पैसे लाए हो? हाँ लाया हूँ। इतने अकड़? अब मेरी बेटी कहाँ है? इतना उतावले क्यों हो रहे हो? बेटी भी है। चुपचाप गाड़ी से उतरो और सीधा आगे की तरफ बढ़ो। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो कंटेनर वाली गली में घुस गया, मुझे दिख नहीं रहा है। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। शहर नहीं वरना नहीं। कुछ मत करो प्लीज। चल बैग फेंक। लेकिन मेरी बच्ची? पहले पैसे फिर बच्ची। हाँ ठीक है ठीक है। ड्रोन कैमरा है सर। तुम लोग चुप जाओ। सीआईडी, मैंने कहा था ना अकेले आना, अब जिंदगी भर तड़पेगा तुम्हारी बच्ची के लिए। नहीं नहीं नहीं, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी गलती की सजा अब तुम्हारी बेटी भुगते थे। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो प्लीज। रुको रुको, मेरी बेटी मुझे वापस करो। We'll be right back.
गोली मार दूंगा। गोली चलाऊंगा। वीडियो भी कह रही है अंकल मजाक कर रहे हैं, इसमें तो खरोच भी नहीं आएगी। ये तो मेरा हथियार है, और जब तक मेरा हथियार मेरे पास है, मुझे मालूम है तुम उसका गोली नहीं चला सकते। जलाओगे? चलाओगे? ये बच्ची नहीं है अभिजी, ये तो डमी है। सर, बच्चा ठीक है? दया, ये बच्ची नहीं है, डमी है, गुड़िया है। किडनैपर से पूछो बच्ची कहाँ है। यस सर। ए, बच्ची कहाँ है? इसके पेट पर खून। क्या हुआ, कुछ बताया इसने? पता नहीं, ये तो मर गया। पैर पे गोली नहीं मारी क्या? अरे गोली तो मैंने पैर पे ही चलाई थी अभिजी। भैया गोली अगर पैर पे चलाई तो फिर पीठ में कैसे लगी, मर कैसे गया? पता नहीं सर। ओह माय गॉड, अब मेरी बेटी के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा मुझे? सीआईडी वाले होकर आपने इसे गोली मार दी। सिर्फ यही चाहता था कि मेरी बेटी कहाँ है। सर जिगर ने मरने वाले आदमी से फोन पे बात की थी सर, मगर उस आदमी के पास हमें कोई फोन नहीं मिला। और वो ड्रोन भी पता नहीं कहां गायब हो गया। सीआईडी वाले होकर आपने इसे गोली मार दी। सिर्फ यही चाहता था कि मेरी बेटी कहां है। बस उस आदमी को जो गोली लगी है, हाँ, वो गोली दया की गन से ही चली। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया सॉरी, बेटी तो हमारी गई है ना। जीरो जी, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की बच्चे को ढूंढने की। कहां कोशिश की आपने? आपके ऑफिसर ने बिना सोचे समझे गोली चला दी बस। अपनी बच्ची को कभी नहीं भूलूंगी। आप लोग प्लीज हिम्मत रखिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। प्लीज, मैं वादा करता हूं आपकी बेटी को हम ढूंढ निकालेंगे, आपके पास वापस ले आएंगे। रहने दीजिए इसी के साथ, अब आपके झूठे आश्वासन का कोई फायदा नहीं। पहले भी आपने यही कहा था ना। आप और आपकी टीम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस, अगर आपके पास बेटी होती तो आपको समझ में आता क्या पर क्या बीत रही है। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बच्ची। बच्ची को भूखा प्यासा रखा होगा, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। मैडम आइए।
जिगर, इस वक्त सिर्फ इतना कहूंगा मैं, हिम्मत मत हारना और हम पर भरोसा रखना। हेलो सर, हाँ इसे भी प्रद्युम्न बोल रहा हूं। क्या सर? लेकिन सर ठीक है, सर ठीक है, मैं दया को अरेस्ट करूंगा। दया, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। ऑफिसर, पैनल आपकी बात विस्तार से जानना चाहता है। भरोसा रखिए, आपके साथ न्याय होगा। सर, अब पक्ष रखने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। देखिए ऑफिसर, ये एक संगीन मामला है। सीआईडी ऑफिसर पर खून का इल्जाम लगा। सर, जो कुछ भी हुआ वो बात मैंने अपने बयान में लिख के दी है, वो बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैंने उसके पैर पे गोली चलाई थी सर, पीठ पे गोली मैंने नहीं मारी। लेकिन आपकी वजह से एक नन्ही सी बच्ची की जान खतरे में पड़ गई। उस नन्ही सी बच्ची की जान की फिक्र मुझे भी है सर। जो कुछ हुआ आप हमें विस्तार से बताइए। वो आदमी उस बच्ची को लेके भाग रहा था, मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं माना, मैंने गोली चलाई उसके घुटने से नीचे ताकि वो भाग ना सके और मैं बच्ची को उसके हाथ से ले लूं। फिर आगे जाके देखा तो वो मर चुका था। कमाल है, इंस्पेक्टर दया कह रहे हैं कि उन्होंने उसके पांव पे गोली चलाई जबकि पैर पे कोई जख्मी नहीं था। गोली उसकी पीठ पर लगी थी और फोरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहती है कि वो गोली तुम्हारी थी। अब इस बात को कैसे गलत साबित करोगे? सर, वहां कंटेनर पे पैर फिसलने का निशान था। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि जब मैंने उस पर गोली चलाई उसका पैर फिसल गया और उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की होगी और वो नीचे की तरफ झुक गया और शायद उस वक्त गोली उसके पीठ पे लगी होगी, पर मैंने गोली उसके पैर पे मारी थी। मतलब तुम मानते हो ना कि तुम्हारी गोली उसकी पीठ पर लगी होगी जिसकी वजह से वो मर गया? हो सकता है सर, मगर मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा। अभी जानबूझ के मारा या अनजाने में, वो तो मरा है ना, वो भी एक निहत्थे आदमी की पीठ पर गोली चला के। ब्रेकिंग न्यूज, सीनियर ऑफिसर दया कटघरे में और इस जुर्म से बरी होना दया के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सीआईडी सीनियर इंस्पेक्टर दया को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, जबकि सारे सबूत उनके खिलाफ हैं और सीनियर इंस्पेक्टर दया अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सच्ची बोल रहे हैं और सच्ची कह रहे हैं, जो होता है वही दिखाते हैं। मेरे सर के बारे में कुछ भी आना सारा बोले जा रहे हैं आप लोग। एक मिनट शांति से बात सुनिए। क्या कर रहे हो? मीडिया के लोग, मीडिया को हर चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाएंगे।
तो कंट्रोल कीजिए ना आप लोग। अभी किसी पर ऐसे इल्जाम तो नहीं लगा सकते, अभी बात पूरी हुई नहीं है यार, ऐसे मत करो यार। सर लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर उनके खिलाफ सुनवाई आ गई तब फिर आप क्या बोलेंगे? हाँ, हमारी जिम्मेदारी और हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं मैडम, और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। मिस्टर दया, इस केस के कुछ अनसुलझे पहलू, जब तक इस केस की जाँच चलेगी तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। जेल? सर ये क्या कह रहे हैं आप? सर दया निर्दोष है सर, हम सब जानते हैं, उसने जानबूझ के नहीं किया सर। तो प्रूव करो ये बेगुनाह। अभी तक एक भी सबूत, एक भी गवाह सामने नहीं आया जो ये कह सके कि खून दया की गोली से नहीं हुआ है। और दया ने खुद कबूल किया है कि वो गोली शायद इसी की गन से चली है उसकी पीठ पर। दया अपने किए पे शर्मिंदा है, उनका सिर शर्म से नीचे हो गया है, हमारे लाख पूछने पर भी उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। दया सर को हथकड़ी पहना दी, ये लोग कहाँ ले जा रहे सर दया सर को? जेल और कहाँ? सर कुछ करिए ना सर, दया सर को रोके ना सर प्लीज। एक मिनट पीछे आइए, इधर आइए। यार थोड़ा तो टाइम दो ना प्लीज, सब मिलेगा आपको, पीछे रहिए प्लीज। दो चार दिन की बात है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, घबराना मत है। घबराहट की तो कोई बात ही नहीं है यार, ना कोई डर है ना कोई कर, अफसोस तो इस बात की है कि उस बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। पता लगा लेंगे ना, और जल्दी पता लगा लेंगे, जो भी करना है जल्दी करो अभिजीत। वो बच्ची, भरोसा रखो यार, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। सिर्फ दोस्त ही तो है जिस पे भरोसा कर सकते हैं। मुझे इस मुसीबत से सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो अभिजीत, सिर्फ तुम।
एनसीपी प्रद्युमन का शेर चूहा कैसे बन गया? बिल में छुप ले आया है ना? अरे वो दूसरा चूहा कहाँ है? वो क्या नाम है उसका? हाँ अभिजीत। अरे वो कौन से बिल में छुपा है? निकल गई ना तुम कहो कि सब सीआईडी गिरी। हाँ अब क्या करोगे? साड़ी पहन के सिग्नल पे नाचोगे? क्यों दया बोलना? अरे बिल में छुपने आया है क्या? अरे बोलना क्या डर रहा है? ए! तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आप छुट्टी चाहिए थी, एक दो दिन रेस्ट मिल जाता तो। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? क्राइम सीन की फोटोग्राफ देखकर तबीयत बिगड़ गई है? नहीं सर, वो अब थोड़ी बेचैनी तो हो रही है। हाँ ठीक है, अब तुम कह ही रहे हो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं ना नहीं कहूंगा। ठीक है जाओ। थैंक यू सर। ख्याल रखना अपना, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, दया के केस का इन्वेस्टिगेशन करने से हम लोगों को मना कर दिया है, याद है ना? याद है सर। अब मना किया तो कैसे करेंगे? हाँ सर। हाँ इसे क्या हो गया सर? वो तबीयत ठीक नहीं लग रही है सर, बेचैनी हो रही है। ओ सर में दर्द हो रहा है सर, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है सर। डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा सर। क्राइम सीन के फोटोग्राफर नहीं देख रहे थे तुम भी? मैं तो जा रहा हूँ डॉक्टर के पास सर, तो इसको भी दिखा दूंगा। हाँ ले जाओ, इसे भी साथ में ले जाओ। जी लेकिन कल मुझे रिपोर्ट देखनी है। मेडिकल रिपोर्ट? हाँ सर वो तो दिखा देंगे सर, बता देंगे। जल्दी जाओ। Excuse me, sir. अरे आप लोग आई 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 सर, मैं आप सबसे माफी मांग रहा हूं। क्यों? Yes. We are very sorry. अरे नहीं, किस बात की माफी? सर हमारी छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी जान, पता नहीं किस हाल में होगी वो। उसके प्यार में पता नहीं आप सबको क्या कुछ कह दिया मैंने। I'm really very sorry. मैं समझ सकता हूँ, it's quite natural. कोई बात नहीं, आइए बैठते हैं। चलो आ जाओ, कम तो सर कहाँ से शुरू करना है? क्राइम सीन से। करना भाई, गलती से हाथ लग गया। कोई बात नहीं। तबीयत तो ठीक है ना?
हाथ कांप रहे तुम्हारे? सॉरी यार, फिर से हाथ फिसल गया। चल खाना दे। कम से कम इस खाने की तो इज्जत कर। ये है तो हम है, समझा? इन सब का नाटक देख रहा हूं मैं। बात को समझने की कोशिश करो दया, चलो यहां से। अपनी जान की खैर जाता है तो बीच में मत आ। दया समझने की कोशिश करो, ये लोग जानबूझकर तुम्हें उकसा रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि तुम इनके साथ भिड़ो, झगड़ा करो। बोला ना, बीच में मत आ। मैं भी तो देखूं कि सीनियर इंस्पेक्टर दया ने अपनी माँ का दूध पिया है कि नहीं। नहीं दया, दया नहीं, दया चलो यहां से, दया दया चलो यहां से, चलो। ए डरपोक, अपने पर फड़फड़ाने चालू कर दिए। सालू के साहब, अब ये नई चीज क्या है? इसे ALS कहते हैं फ्रेडी सर, अल्टरनेटिव लाइट सोर्स, वैकल्पिक प्रकाश स्रोत। शरीर के अंदर जो चोटें आती है ना, उनकी जांच इसी से की जाती है। ये देखो बॉस, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा? ये तो चोटों के निशान है। एग्जैक्टली बॉस, ये चोट के निशान है, शरीर की ऊपरी चमड़ी के अंदर की तरफ। इसकी चमड़ी के अंदर इतने सारे निशान आए कैसे होंगे? इसके शरीर पर लगातार मारने की वजह से ये निशान बने। हो सकता है ये किसी ऐसे पेशे में काम करता हो जहाँ पर लगातार इसे मार पड़ता हो। मेरा कहने का मतलब है, हो सकता है ये कोई किकबॉक्सिंग करता हो, या बॉक्सर हो, या फिर स्टंटमैन होते हैं फिल्मों में, एक्शन करते हैं, वो भी हो सकता है। एक बात और बस। क्या? ये चोट के निशान हमें इसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर ही मिले, छाती पर और चेहरे पर बस। तो फिर हो सकता है ये कोई बॉक्सर ही हो, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें जब मार पड़ती है तो यहाँ से लेके ऊपर चेहरे तक ही होती है। एक काम करते हैं, शुरुआत शहर में जितने भी बॉक्सिंग क्लब है ना, वहीं से करते हैं। क्यों भिड़ रहे थे उन लोगों से? यही तो चाहते थे वो लोग कि उनसे झगड़ा करो तुम। अक्सर मुजरिम पुलिस वालों से, CID से नफरत करती है। आप भी करते हैं नफरत? यहाँ पे जितने लोग हैं इनको यही लगता है कि हमने बिना वजह उनको जेल भिजवा दिया। कहीं ना कहीं आपको भी यही लगता होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तो CID कॉप्स पर गर्व है। गर्व क्यों? क्योंकि मेरा बेटा भी एक जाबाज ऑफिसर था, सब इंस्पेक्टर अनिल। हाँ, मतलब क्या हुआ उसे? उसे 26 नवंबर को
गोली मार दी गई। बेटे के गम में मां डिप्रेशन में चली गई। उसे लगा कि बेटे के बगैर उसकी जिंदगी अब कोई जिंदगी ही नहीं है। उसने दो बार आत्महत्या करने की कोशिश की पर दोनों बार नाकामयाब रही। मैंने बचा लिया उसे, तीसरी बार उसे मैं भी नहीं बचा पाया क्योंकि इस बार उसने शहर पिया था। लोगों को लगा कि मैंने अपनी बीवी का खून किया है। मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत सारी दलीलें दी पर अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सका। मगर सूरज जी, आप यहाँ जेल में रहकर भी अपनी बेगुनाही की लड़ाई लड़ सकते हैं। किसके लिए लड़ाई लड़ूं? मेरा भी इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ना घर ना कोई सगे संबंधी। चले बोतल खोल। और वो बर्फ और सोडा किधर है? हाँ सूरज जी, दूर कौन लाएगा? तेरा बाप? ये सब क्या चल रहा है? जेल में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। राज छिपे? कैसा राज? जरा खुल के बताइए। मेरे दोस्त का यहाँ पर खून हो गया है। प्रमोद का खून यहाँ जेल में? हाँ। क्यों, उसका किसी के साथ झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? उसने कुछ ऐसा सुन लिया था जिसके बदले उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रमोद ने ऐसा क्या सुन लिया था? किसी का खून करना चाहते थे वो, किसी ताकतवर इंसान का। कौन था ये ताकतवर इंसान? मुझे नहीं मालूम। किसने मारा उसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। सुन, ढूंढ रहे सर? दया की बेगुनाही का सबूत। सर अब क्या सबूत मिलेगा उनकी बेगुनाही का? सर वो गोली पंकज, वो गोली जो किडनैपर को लगी है। मगर सर वो गोली तो साळुंके साहब ने उसकी पीठ से निकाल ली थी। जो गोली साळुंके साहब को मिली है उसमें कोई राज छुपा है और वो राज हमें ढूंढना है। ये खून के छींटे देख रहे हो ना? हाँ सर। जिस तरीके से किडनैपर को गोली लगी है उसी में कोई पेच छुपा हुआ है और वो पेच ये खून के छींटे खोलेंगे। सर खून के छींटे कैसे? सर अरे यार तुम्हें पता है ना, खून के छींटे हमें बताते हैं कि गोली कितनी दूरी से चली है, किस एंगल से चली है। और इन खून के छींटों ने भी हमें कुछ बताया है। एक मिनट जरा यहाँ खड़े रहना। पंकज जरा थोड़ा नीचे झुकना। गोली 23 डिग्री एंगल से चली थी। पंकज उस दिन इस किडनैपर पे एक नहीं दो गोलियां चली हैं, एक दया की गन से और दूसरी किसी और की गन से। सर मगर गोली तो हमें एक ही मिली है, तो दूसरी गोली कहाँ गई? वो दूसरी गोली ही तो हमें ढूंढनी है। किडनैपर को यहाँ पे गोली लगी है, यहाँ पे गिरा और गुड़िया यहाँ पे गिरी। इसका मतलब जो दूसरी गोली पैर पे लगने वाली थी वो यहीं कहीं होगी। पंकज एक काम करो, मैं
वो दूसरी गोली ढूंढता हूँ, तब तक तुम यहाँ पता लगाओ कि उस दिन जब गोली चली थी यहाँ कंटेनर यार्ड में कोई आया था क्या। ठीक है सर। सुपरवाइजर साहब, आप जरा ऊपर आएंगे। आगे ना, होल्ड कर, इसे मारते हैं पंच। निकलो। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, तो कहिए क्या काम है? कुछ जानकारी लेनी थी। नहीं दूं तो? तो हमें जबरदस्ती जानकारी लेना आता है? जानती हो, हम बॉक्सर हैं और हमें हराने के लिए तुम्हें थोड़ा सा हष्ट पुष्ट होना पड़ेगा। बरकुरदार, इसे हल्के में मत लेना, बहुत ताकतवर है ये। तुम जैसे चार चार मुस्टंडे को एक झटके में हरा सकती हो। बस एक पंच, एक पंच में लड़की पूरी धाराशाही हो जाएगी। वो तो पंच मार के ही पता चलेगा ना। अगर हिम्मत है तो मैदान में आ। मुझे मैदान में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मेरा कोई भी बच्चा काफी है। और अगर तुम जीत गई तो मैं जो जानकारी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इससे फाइट करूंगी मैं। अच्छी फाइट करती हो, कहां से सीखी इतनी अच्छी फाइट? सीखी है कहीं। अब जो हम पूछेंगे उन सवालों का जवाब दो। इसे जानते हो? अरे ये मर गया। हाँ, किसी ने खून कर दिया इसका। ये सैंडी है, इसको मैंने ट्रेन किया था। इस सैंडी का एड्रेस या फोन नंबर होगा ना? की अच्छी तरह से तलाश लो, घर में वो सारी चीजें देखो जिसमें बच्ची को छुपाया जा सकता है। आप पूरी सर, ये देखिए कबर्ड में फोटोज चिपके हुए। माय गॉड, ये तो मिली है अर्शु की केयरटेकर। इसके यहाँ फोटो कैसे है? इसका एक ही मतलब हो सकता है, ये मिली उस किडनैपर को जानती है। हाँ सर, और हमारे सामने ऐसे नाटक कर रही थी जैसे कि बच्ची खोने का दुख सबसे ज्यादा उसी को ही है। अर्श, मिली, इस मिली से मिलना पड़ेगा, जरूर अर्श के बारे में उसी से पता चल सकता है। सूरज,
सूरज। सीआईडी कॉप्स पर गर्व है क्योंकि मेरा बेटा भी एक जाबाज ऑफिसर था। उसे 26 नवंबर को गोली मार दी गई, बाद डिप्रेशन में चली गई। उसे लगा कि बेटे के बगैर उसकी जिंदगी अब कोई जिंदगी ही नहीं है। उसने दो बार आत्महत्या करने की कोशिश की, तीसरी बार मैं उसे नहीं बचा पाया। बेचारा सूरज खामा खा मारा गया इसके चक्कर में। सर मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है मेरी अर्शु? जिगर जी, आपकी अर्शु जहां भी है वो जल्द मिल जाएगी, क्योंकि किडनैपर के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल चुका है। सर कौन है किडनैपर? प्लीज बताइए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें पूछिए ना मिली जी से, उसे पूरा पता है। क्यों मिली, कौन किडनैपर है और अर्शु को कहां रखा है सब पता है। पूछिए। सैंडी को तो जानती हो ना तुम? तुम्हारे ही कहने पे सैंडी ने इनकी बेटी को अगवा किया है ना? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कहाँ है मेरी बेटी? हाँ कहाँ छुपा के रखा है मेरी बेटी को? और कहाँ है मेरी बेटी? मैडम मैं सच कह रही हूँ, मैं कसम खाकर कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ सैंडी को जानती हूँ। आपकी बेटी को अगवा करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मिली जी, आपको क्या लगता है हम सीआईडी वाले अकल से पैदल हैं? आप तो सैंडी को जानती है, तो इसका मतलब आप ये भी जानती है कि अर्शु को कहां रखा है ना? बताओ जल्दी। सर मैं सच कह रही हूँ, वो सैंडी मेरे आसपास चक्कर लगाता था, मैं तो उसके प्यार में फंस गई थी बस, मैं कुछ नहीं जानती। मेरा झूठ बोल रही है। अरे कुछ तो पता होगा, अर्शु को कहां छुपा के रखा होगा उसने? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। सर उस दिन से लेके अभी तक एक भी कंटेनर बाहर कहीं नहीं गया, लेकिन हाँ सर इस एरिया के अंदर अंदर हमने कंटेनर इधर से उधर जरूर किए। एक बात बताओ, ये जो यहाँ जो इस एरिया में कंटेनर है ये यहाँ तक इनको इधर उधर किया है? हो सकता है सर। तो वो कंटेनर जब उठाया है वो कहाँ ले गए, कहाँ पे रखा मालूम है? सर ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन सर इसी एरिया के अंदर हमने कंटेनर इधर से उधर किए, आप चाहे तो सर चेक कर सकते हैं। चेक तो करना ही होगा। ये रेडियो है, जेल की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो तो तुम इससे बात कर सकते हो।
लेकिन एक बात का ख्याल रखना, फौरन इस पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये पार्टी बदलने में माहिर है। चाहिए भाई कांदा काटो, काटने आता है ना। हाँ काटो काटो। वैसे बॉडी बहुत सॉलिड है तुम्हारी, जिम में जाते हो क्या? हाँ हाँ, पहले जिम जाता था पर अब नहीं जाता हूँ। अच्छा छोड़ दिया। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रेडियो है। रेडियो, ये कैसा नाम? मैं ज्यादा बोलता हूँ ना, इसलिए सब लोग प्यार से मुझे रेडियो बुलाते हैं। पूरी जेल की एक एक खबर मेरे पास रहती है। मतलब कुल मिला के तुम जेल के खबरी हो? हाँ। तो खबरी जी, ये बताओ कि सूरज को किसने मारा होगा? क्या हुआ? तुम तो इस जेल के बहुत बड़े खबरी हो, इतना भी नहीं मालूम? रेडियो नाम है मेरा। चलिए बताए कि प्रमोद को किसने मारा? नहीं, अरे कौन से खबरी हो यार तुम, चिल्ला रहो एकदम, काय का खबरी है तू? हैं? कम से कम ये तो पता होगा कि जब प्रमोद का खून हुआ उस वक्त वो क्या काम कर रहा था। टोकरी बनाता था। टोकरी बनाता था? हाँ। और इस टोकरी बनाने के काम में उसके साथ कौन कौन था बता? बलराज, सनी, सूरज और कल्पेश। सूरज भी था? हाँ। ये सनी, कल्पेश और बलराज इस वक्त जेल में क्या काम कर रहा है? ये सब लोग फर्नीचर के कारखाने में काम करते हैं। हाँ? तुमको उनसे मिलना है? हाँ मिल लेते। ये चलो चलो जल्दी, आज चलो, अभी खाना बनाना बाकी है। हाँ करा, यही परेशान करता और कुछ नहीं। मैं कुछ करता हूँ। पता चला किसने मारा सूरज और प्रमोद को? तुम्हारे पूछने के अंदाज से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पता है कि कौन है वो जिसने उन दोनों को मारा। हाँ। कौन है वो? हितेन और आकाश। इतनी आसानी से बता दिया? किचन में तो इधर उधर की बातें कर रहा था, जरूर कुछ गड़बड़ है ये रेडियो। सुबह जब मैंने तुमसे पूछा तब तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? राज की बातें एकदम से नहीं बताई जाती, और मुझे तो ये भी पता है कि वो ताकतवर इंसान कौन है जिसको वो दोनों मारने की बातें कर रहे थे। जो प्रमोद ने सुना था? कौन है वो ताकतवर इंसान? बुरा मत मानना, तुमको मारने का प्लान है मुझे। कौन है तू?
लो भाई, इस गोली का मैच भी मिल ही गया। मतलब? मतलब ये अभिजीत, ये गोली भी दया की गन से ही चलाई गई है। कमाल है डॉक्टर साहब, दया ने गोली चलाई एक और बुलेट मिली दो। तो फिर दया सर की दूसरी गोली कहां से आई जो किडनैपर को लगी? अभिजीत, दया को कोई फंसाना चाहता है। हाँ सर, इस कंटेनर यार्ड में मैंने खुद देखा सर, एक कंटेनर में छेद था, वहां पे बुलेट के शेल भी मिली है। वहीं पे बैठ के किसी ने किडनैपर पे गोली चलाई है। लेकिन आप लोग कैसे कह सकते हो कि गोली किसी और ने चलाई है? खून के छींटों से, जिस तरीके से खून के छींटे वहां पड़े थे उससे साफ पता चल रहा था कि दया ने गोली नहीं चलाई है, बल्कि दया की दिशा से ही किसी ने अलग एंगल से गोली चलाई है, शायद 23 डिग्री एंगल से। पर कौन हो सकता है वो, पता लगाना पड़ेगा कौन आया था वहां पर। सर पंकज को भेजा है उसी काम के लिए, और अभी तक आया नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। हाँ जी सर। व्हाट? क्या ये सब कैसे हुआ? तुम लोग थे ना वहां पर? क्या हुआ सर? दया पर किसने हमला किया, चाकू के वार किए। व्हाट? उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हम लोग चलते हैं सर। नहीं अभिजीत, कहा जेलर साहब ने वही कहा कि अभी मत आइए, दया होश में नहीं है फिर भी स्टेबल है, तो जैसे वो होश में आएगा वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। ज्यादा दिन नहीं बचे तेरे, हंस ले। अरे यार, तुम सीआईडी वालों की यही प्रॉब्लम है, हेकड़ी बहुत दिखाते हो, रस्सी जल गई पल नहीं निकले, मौत के मुंह में भी रौब दिखाता है। हेकड़ी वाला आखिरी सांस तक नहीं जाएगी, समझा? अच्छा, तुम्हें ये सांस ही बंद कर देता हूं, मुझे मेरा पीछा करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। कोई भी मुजरिम समझदार मुझे अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। सबूत तो तूने उसी ने छोड़ दिया था जो कंटेनर यार्ड में आया था ना, निकले के। तो तुम लोगों ने बाल की खाल निकाल ली, मिस्टेक, माय मिस्टेक। कोई बात नहीं, अपनी गलती सुधार लेते हैं। मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश? तेरे सर को कैसे फंसाया तूने? वेरी सिंपल, मैं कंटेनर में छिपा हुआ, उसमें मैंने एक ऐसा होल बनाया कि जहां से मैं सब कुछ साफ साफ देख सकूं कौन कहां भाग रहा है। इजी। मेरे को पता ही नहीं था कि मैं उसके पीछे वाले कंटेनर में छिपा हुआ था। सैंडी को लगा कि वो दया को अपने आसपास उड़ जाए रखेगा और मैं दया को गोली मार दूंगा, मगर उसे क्या पता था कि वो खुद ही बेचारा और बेच रहा है। एक और बात बता दे। चल पूछ 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 पूछ। दया सर की वृद्धा से मिली मुझे, बहुत आसान था। फायरिंग रेंज से हमने एक बुलेट
मेरे साथी ने मेरे साथ धोखा किया। सर, दया सर कैसे? दया ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। वैसे अभिजीत बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी दया को फंसाने के लिए। हाँ सर, ये किडनैपिंग भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है सर। और सैंडी को भी डबल क्रॉस किया उन लोगों ने, उसको बोला कि दया को मारना है और उसी को मार दिया। अगर तुम बता रहे थे ना कि उस किलर को दया के गन की गोली फायरिंग रेंज पे मिली थी ना? हाँ सर, मगर सर उसने दया सर की गोली फायर नहीं की थी सर, उसने अपनी गोली फायर की थी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, गोली दया की गन से नहीं चली थी तो फिर दया की गोली उस लाश के अंदर कैसे? सर, गोली बदल दी गई है। किडनैपर की लाश में जो गोली लगी थी उसको निकाल के उसकी जगह दया की गोली रख दी गई। लेकिन सर, लाश तो कंटेनर यार्ड से सीधे फॉरेंसिक लैब में आई थी, तो फिर गोली बदली कब और कैसे? रास्ते में फ्रेडी, गोली रास्ते में बदली गई एम्बुलेंस के अंदर। साहब, उस काम के लिए मुझे पैसे मिले थे साहब, मुझसे बोला गया था रास्ते में सिर्फ 5 मिनट के लिए गाड़ी रोकने के लिए। मैं जूस पीने के बाद ड्राइवर को नीचे लेके गया था। ऐसा हम ही उसे ढूंढ रहे हैं, वो फोन भी नहीं उठा रही। उसका कमरा कहाँ है? वहाँ ऊपर। पर ऑफिसर हुआ क्या है? मिली ने सबको बेवकूफ बनाया है। वो सैंडी से कभी प्यार ही नहीं करती थी, बल्कि सारे किडनैपिंग के पीछे उसी का हाथ है। मिली के कमरे में थी। ये आकाश है और ये हितेन, इन्होंने तो दया पे हमला किया था जेल में। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन दोनों की फोटो मिली के कमरे में क्या कर रही थी? अभिजीत, इसका एक ही मतलब है कि ये सारा प्लान दया को सिर्फ जेल भेजने का नहीं था, बल्कि जेल के अंदर दया को खत्म करने का था। इसका मतलब दया की जान को अभी भी खतरा है, उस पर फिर से हमला हो सकता है। सॉरी एसीपी सर, जब तक पर्याप्त सबूत और गवाह नहीं मिल जाते हम दया को नहीं छोड़ सकते। सर, सर उसकी जान खतरे में है सर। सर, उसको फंसा के जेल भेजने का प्लान था उनका। फिलहाल हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में और ऑफिसर दया के हित में है। सर, कानून के दायरे में रहकर कहीं ऐसा हो कि बहुत देर हो जाए। दया पर एक हमला हो चुका है सर, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है अभी भी। एसीपी साहब, आप एक सीनियर ऑफिसर हैं, आप अच्छे से जानते हैं प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार हम अपना निर्णय बदल नहीं सकते सर। लेकिन आई एम सॉरी एसीपी साहब, प्लीज। सर मिली का फोन बंद आ रहा है, वो कहाँ है, क्या कर रही है, किसी को पता नहीं। लेकिन हमने शहर से बाहर जाने के सारे रास्ते उसके लिए बंद कर दिए। सर, जो भी करना है जल्दी करिए सर, एक बार हमला हो चुका है, इस बार वो लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो फिर अभिजीत, हम भी वही करेंगे जो हम अपनों के लिए करते हैं। सॉरी सर, विजिटिंग टाइम खत्म हो गया है, आप लोग को बाहर जाना पड़ेगा, हमको पेशेंट का बैंडेज चेंज करना है।
पहाड़, ये पतझड़, ये पत्ते और तितलियां। मैडम जी, आज किस पे गिराने वाली हो बिजलियां? अरे वाह, क्या कह गए, क्या बहुत बढ़िया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, अच्छा लगा आपको। बहुत अच्छा लगा। कुछ और हो जे? जी जी, पांव कब्र में है और शायरी सूझ रही है। मुंह खोलिए चाचा जी। अरे मैडम, बीमारी में घुट घुट के मरने से अच्छा है कि दो चार पल जो मिले हैं हंस के जी लिया जाए, क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। अरे क्या सिस्टर, आपने उसके मुंह में थर्मामीटर ठूस दिया। इतनी बड़ी यार शायरी कर रहा था, अभी तो शुरू की थी। अरे अंकल, अच्छा हुआ इनको चुप करा दिया, वरना ये कल का मरने वाला आज ही इसका गला दबा के मुंह बंद कर देता। अरे चुप। अरे जा बना, जीना और मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो बस कठपुतलियां हैं, अपना खेल खेल के निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबे तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो काम बंद करके चुपचाप सो जा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सुन ले रहे हमें। हाँ भी थोड़ा सा और हो जाए। जी जनाब, ये है कि चांद छुपा बादल में। भागो भागो भागो, सब लोग जल्दी जल्दी बाहर भागो, हॉस्पिटल में आग लगी है। चलो चलो, भागो 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 भागो। खूनी ने अपना गेम शुरू कर दिया है। अभिजीत, अभिजीत, अच्छा, उन लोगों ने शोरूम में आग लगवाई है। सर जानबूझ के किया ये सर। मैंने सारंगी को मेन गेट पे लगवा दिया है, बैक गेट पे किसी को लगना चाहिए। पीछे जाओ पीछे। और अभिजीत, तुम दया का ख्याल रखना, दया के साथ रहो। आधे घंटे की मोहलत दे रहा हूं, इसलिए आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा सच तुम्हारी जुबान से बाहर आना चाहिए। बताओ, किसने भेजा है तुम्हें दया को मारने के लिए? बताओ। आप आधा घंटा दो, एक पूरा दिन दे दो, लेकिन यहां से कुछ बाहर नहीं आने वाला है। लेकिन दया को मारने की सुपारी कहां दी गई? ऐसा तो नहीं, इन्हें भी दया को मारने के लिए पैसे दिए गए? हमारे बाकी के पैसे तो मिल जाएंगे ना? लगता है कुछ साजिश है, पता करना होगा। क्या बोलता है रे केकड़े, अपने असली मकसद के बारे में बता दे जेलर साहब को। बेड़ा हो गया क्या? जेलर साहब को बता दिया तो अपना पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अच्छा, फिर तो हितेन और आकाश की मौत तो अब पक्की है, अब वो नहीं बचेंगे। अरे बाप रे, कौन हो तुम लोग? हमें मारने आए हो? हमारे बारे में जानते हो ना कि हम कौन और क्या कर सकते हैं? मर गया। अरे बाप रे, वो आकाश है, हुए थे? तुम दोनों एक नंबर के निकम्मे हो, एक छोटा सा काम भी पूरा नहीं कर सके, इसीलिए हमें आना पड़ा, समझे? अभी ना हम लोग करेंगे तुम लोग का काम,
जो रायता फैला के रखा है ना तुम लोगों ने, ये हम समेटेंगे। अरे लेकिन हमें दया को जान से मारने के लिए नहीं, सिर्फ हमला करने के लिए कहा गया था। नहीं चुप कर, पागल हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा तू? सही तो कह रहा हूँ मैं। इनको बताने की जरूरत है? अब ये ही काम हमें भी दिया, इनको भी दिया। पैसे मिलेंगे ना इस बात के? अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो बाकी को पैसे नहीं मिलेगा, मैं दिलवाऊंगा पैसे तुम्हें। इनको बताने की जरूरत? इसको चोट लगी, इसको बाहर लेके जाओ जल्दी। आइए आइए मेरे साथ आइए। अभिजीत, अभिजीत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दया के पास कौन है? सर एक औरत घायल हो गई थी, उसको छोड़ने जा रहा है। दया के पास एक गार्ड है सर। कि अभिजीत अभी भी पंकज ने फोन पे बताया कि जो भी दया पे हमला करेगा वो बाहर से नहीं आएगा, वो पहले से ही हॉस्पिटल में है। खुल नहीं रहा है क्या? वैसे चाकू अच्छा चला लेते हो, पर अफसोस ये कला आज काम नहीं आया। कहानी शुरू। क्यों मारना चाहता था दया को? क्योंकि ये मेरी बीवी और मेरी बेटी का कातिल है। मेरी बीवी और मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। अगर इसने मुझे जेल ना भेजा होता तो वो कभी सुसाइड ना करते। गुनाह करोगे तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। बहुत लंबी प्लानिंग की तूने। बच्ची को किडनैप करवाया, कंटेनर यार्ड में गोली चलवाई और दया को फंसाने के लिए वो गोली भी बदल दी। तो
बच्ची कहाँ है? वो बच्ची कहाँ है जिसे तुमने अगवा किया? है किसी मेरे अपने के पास। कौन है ये तुम्हारा? मेरा अपना नहीं बताऊंगा। अगर तेरे अपने को ये पता चल गया कि हम दोनों का प्लान फेल हो गया तो वो उस बच्ची को मार डालेगा। और अगर उस बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, याद रख। अभिजीत, पिछले एक महीने से इस मिली का फोन यहीं पे स्पॉट हो रहा है। बच्ची को यहीं कहीं छुपा के रखा होगा उसने। सर, कहीं ये मिली ही केदार का वो कोई अपना तो नहीं है जिसके बारे में वो हमें बता रहा था? हो सकता है फ्रेडी। उनको बोलो गाड़ी से बाहर नहीं निकले। आप लोग प्लीज गाड़ी में बैठे प्लीज। भागो मत, बच्चा गिर जाएगा। मिली, बच्चा हमें दे दो। मुझे रोको मत, देखो मुझे जाने दो वरना मैं इस बच्ची को फेंक दूंगी। मिली, तुम जो भी कर रही हो बड़ी गलत कर रही हो। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अपनी अपनी गन्स नीचे रख दो। ठीक है। अब वो गन मेरी तरफ फेंको। देखो मिली, मुझे पता है तुम केदार की बेटी हो और ये सब तुम अपने पिता के लिए कर रही हो। तुम CID वाले ना शुरू से लेके अब तक सिर्फ उल्टी दिशा में ही भाग रहे हो। सच्चाई क्या है ये सिर्फ मैं जानती हूँ और वो सच्चाई मैं तुमको कभी नहीं बताऊंगी और तुम लोग कभी जान भी नहीं पाओगे। देखो मिली, ये क्या किया तुमने? गोली मार दी इसको। ये मेरी बच्ची को मारने वाली थी तो और क्या करता मैं? अरे तो पैर पे गोली मारते ना। सिर्फ यही थी जो दया को बेगुनाह साबित कर सकती थी और इसको गोली मार दी तुमने। सिर्फ ये नहीं सर, एक और इंसान है जो मेरी बेगुनाही साबित कर सकता है। कौन है वो? दया? सर, अंकुश नाम है उसका। अंकुश? अंकुश का नाम सुनते ही पसीने छूट गए तुम्हारे सर? नहीं बाप, गर्मी है इसलिए। गर्मी की वजह से ही ये नाम अंकुश सुनने के बाद गर्मी लग गई तुम्हें? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंकुश और जिगर, और तुम केदार के बेटे हो। व्हाट? ये सारा खेल तुमने रचा था। अंकुश और जिगर, ये सारा खेल तुम्हारा था। विचार मिली का नहीं। हाँ, ये सारा खेल मैंने रचा है। मैं दया को अरेस्ट करूंगा। मिली से बोल के मैंने राका को भी अपने रास्ते से हटा दिया ताकि मेरा राज हमेशा के लिए राज ही बना रहे।
और मैं अंकुश हूँ, केदार मेरा बाप है, और आप सब अब अच्छे कॉप्स की तरह मुझे यहाँ से जाने देंगे, क्योंकि अगर आपने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो नहीं। कैसे बाप हो तुम? अपने बदले के लिए अपनी बच्ची को मारोगे, अपने परिवार को तबाह कर दोगे? ये मेरा परिवार नहीं है, ये सब एक्टर्स हैं। ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बच्ची नहीं है। दुबई से आने के बाद 6 महीने लगे मुझे ये परिवार खड़ा करने में, क्योंकि मेरे असली परिवार को पूरी दुनिया के सामने मार डाला इस दया ने। मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे बाप को जेल भेज दिया। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हें बदला लेना मुझसे बदला लो। गुड बाय दया। अभिजीत, छोड़ दो इसे। कानून के हाथ लंबे नहीं, मजबूत भी होते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.